إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله फ़कत फ़फ़ाज़न अदीम हर तरह की तारीफ़ अल्लाह रबालमीन के लिए लायक और ज़ेबा हैं और दरुदोसलाम नाजिल हूँ अल्लाह के तमाम नबियों पर खूस आख़री नबी हज़रत महमद मुस्तफ़ी सल्ला वसम पर मोहतरम हाजरीन अल्लाह ताली ने हम सब को पैदा किया वही हमारी ज़िंदगी और मौत का मालिक है जब तक चाहेगा हमें दुनिया में ज़िंदा रखेगा और जब चाहेगा मौत दे देगा मौत से किसी इंसान को छुटकारा नहीं है इंसान जानवर चरिंद परिंद जितने भी मखलूक़ात दुनिया के अंदर हैं हर एक को एक ना एक दिन मौत का जाम पीना है अमीर हो या गरीब छोटा हो या बड़ा बादशाह हो या फकीर, मर्द हो या औरत मोमिन हो या काफिर नबी हो या वली हर एक को मौत का जाम पीना है मौत एक ऐसी हकीकत है जिसका कोई भी शख्स इनकार नहीं कर सकता अगर कोई शख्स मौत का इनकार करेगा तो दुनिया उसको मेंटल कहेगी पागल कहेगी इसलिए कि हम रोज़ देखते हैं कोई ना कोई मरता है अब तक जितने लोग आए चले गए जो बाकी हैं वो भी मर जाएंगे जो आने वाले हैं उनको भी मरना है मौत एक हकीकत है लेकिन इंसान अपनी मौत से गाफिल है किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं सामान सौ बरस का है पल की खबर नहीं आज हमारी हालत यह है कि हम दुनिया की रंगीनियों में इस कदर खो गए हैं कि हम अपनी मौत को भूल चुके हैं हालांकि हम रोज़ देखते हैं कि कैसी कैसी अमवात होती हैं और हम कितने लोगों को दफन कर चुके हैं कितने लोगों की नमाज जनाजा पढ़ चुके हैं आदमी को कभी भी अपनी मौत से गाफिल नहीं होना चाहिए अल्लाह तबारक व ने फ़रमाया कुल्ल नफ्स मौत सूरह अम्बिया की आयत है हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है एक और मकाम पर अल्लाह ने फ़रमाया कुल्ल मन रब्बिका वब का रबिकजलावल करम जितनी चीज़ें हैं जितने जानदार हैं सब फ़ना होने वाले सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है जो बाकी रहने वाली अल्लाह के अलावा हर एक को फना है सही बुखारी सही मुस्लिम की एक हदीस है हजरत मूसा सलातम जिनको मूसा क़लीमुल्ला कहा जाता है उलम पैगम्बरों में से हैं अल्लाह ताला ने मलकुल मौत को भेजा हजरत मूसा सलातम के पास आया उनकी रूह कब्ज़ करने के लिए तो हजरत मूसा सलातम ने उसको तमाचा मार दिया सही हदीस है बुखारी मुस्लिम की मुस्लिम की हदीस में है कि उसकी आँख फूट गई वो दोबारा अल्लाह के पास गया मलकुल मौत और कहा कि अय अल्लाह तूने किस बंदे के पास मुझे भेज दिया है वो मरना नहीं चाहता तो अल्लाह ताला ने उसकी आँख को दुरुस्त किया और कहा जाओ मूसा से कहो कि बैल की पुष्ट पर अपना हाथ रखें उनकी हथेली के नीचे जितने बाल आएंगे उतने साल उनकी उम्र में इजाफ़ा कर दिया जाएगा मौत दोबारा आया हज़रत मूसा सलाम के सामने ये मसला पेश किया कि अल्लाह तबारक ने आपको ये ऑप्शन दिया है बैल की पुष्ट पर हाथ रखें उसके नीचे जितने बाल आएंगे उतने साल आपकी उम्र बढ़ा दी जाएगी तो मूसा आलाम ने पूछा उसके बाद क्या होगा कहा उसके बाद मौत तो कहा कल मरना है तो आज ही हो जाए मौत से किसी को छुटकारा नहीं है मौत से किसको रुस्तगारी है आज वो तो कल हमारी बारी है दुनिया में कोई भी इंसान जानवर चरिंद परिंद कोई भी बाकी रहने वाला नहीं है ये ज़मीन ये आसमान ये सूरज ये चाँद ये सितारे सब बेनूर हो जाएंगे सब का ख़ात्मा हो जाएगा अल्लाह ताला एक नई ज़मीन बनाएगा नया आसमान बनाएगा हर एक को फ़ना है सिर्फ़ अल्लाह रबालमीन को बका है अल्लाह की ज़ात जो हमेशा से है हमेशा रहेगी अल्लाह रबालमीन ने एक और मकाम पर फरमाया सुर मुनाफिक में वल युवक खिरल्लाफ स जा आज जब किसी का मौत किसी की मौत का वक्त आता आ जाता है तो अल्लाह ताला उसमें एक लम्हे के लिए भी तखिर नहीं करता जब मौत का वक्त मुतन है उसी वक्त मौत आ करके रहेगी इसीलिए हम देखते हैं आप लोग भी देखते हैं कि कोई ख़तीब है खुतबा दे रहा है मेम्बर से उतरने भी नहीं पाता है उसकी मौत हो जाती है अल्लाह तबार को कितनी अच्छी मौत दिया देखते ही दिल में अरमान होता है तमन्ना होती है दुआएं करते हैं कि अल्लाह हम सबको भी ऐसी मौत नसीब फरमाए खतीब खुतबा दे रहा है अभी मिंबर से उतरा भी नहीं कि उसकी मौत हो गई उसकी मौत का वक्त आ गया हमने कितने कितनी तस्वीरें देखी हैं एक आदमी सजदे में पड़ा है सजदे ही में उसकी मौत आ गई सजदे से अपना सर भी नहीं उठा पाया कितनी अच्छी मौत है कितने लोगों को हम देखते हैं बैठ करके कुरान मजीद की तिलावत करते रहते हैं देखने वाला ये समझता है कि बैठा हुआ है हालांकि उसकी मौत हो चुकी है मेरे भाइयों मौत का वक्त मुतयन है वो उसी वक्त आएगी ना एक लम्हा पहले ना एक लम्हा बाद में नहीं युवा खिर नफसन अजलुहा जब मौत का वक्त आ जाता है एक लम्हा भी तखिर नहीं करता है अल्लाह व्लाबीरुम बिमा तमोल अल्लाह ताला खूब जानता है जो तुम कर रहे हो तुम्हारे आमाल से वो बाखबर है इसी तरीके से अल्लाह तबार को ताल ने एक और मकाम पर फरमाया लुकमान के अंदर वमा तदरी माजा तकसीबन किसी को नहीं मालूम है कि वह कल क्या कमाएगा आज इंसान फ़क़ीर है कल अमीर हो जाता है आज इंसान अमीर है कल फकीर हो जाता तिल कल अयाामुदाविल भई नन्नास ये या अयाम हम लोगों के दरमियान फिराते रहते हैं अमीर को ग़रीब बना देते हैं गरीब को अमीर बना देते हैं सेहतमंद को बीमार कर देते हैं बीमार को सेहतमंद कर देते हैं हालात बदलते रहते हैं अगर आज आप खुशहाल हैं तो आप खुशफहमी में मुबतला ना हों कि यह हालात हमेशा आपके साथ में रहेंगे आपकी खुशहाली कल बदल सकती है बदहाली में अगर आप बदहाल हैं आप परेशान हैं तो अल्लाह की ज़ात से ना उम्मीद ना हो कल अल्लाह तबारक तआला आपके दामन में खुशियाँ डाल सकता है अल्लाह ने फरमाया वमा तदरी नफसुन माजा गदन किसी को नहीं मालूम है कि वो कल क्या कमाएगा कल वो किस पोजीशन में होगा कल उसके साथ क्या मामला होगा किसी को नहीं मालूम है अल्लाह आलमीन ने फरमाया वमा तदरी नफसम बेअ्य और अर्दिन तमोत और किसी को यह भी नहीं मालूम है कि वो जमीन के किस हिस्से में मरेगा उसे कहाँ मौत आएगी कितने लोग ऐसे हैं जिंदगी भर अपने मुल्क में रहते हैं अपनी बस्ती में रहते हैं उनकी मौत का वक्त आता है तो अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क में चले जाते हैं दूसरी बस्ती में चले जाते वहाँ उनको मौत आती कितने लोग हैं देहातों में रहने वाले शहर में आकर के उनकी मौत होती है कितने लोग शहरों में रहने वाले देहात में उनकी मौत होती है किसी को मालूम नहीं है कि उसकी मौत कहाँ होगी ज़मीन के कौन से हिस्से पर होगी ममा तदरी नफसन बे और तमोत तुम में से किसी को नहीं मालूम है कि वो किस जगह मरेगा इन अल्लाह आलि ख़बीर बेशक अल्लाह तबारक वाल वाला है ख़बर वाला है। अल्लाह को मालूम है किसको कहाँ मौत देनी है एक हदीस बता करके फिर अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ अल्लाह के नबी सल्लासम फरमाते हैं कि जब बच्चा अपनी माँ के पेट में रहता है चार महीने हो जाते चार महीने का बच्चा होता है यानी 110 दिन का 120 दिन का तो अल्लाह तबार को तौला एक फरिश्ता भेजता है उसी वक्त उसकी तकदीर लिखी जाती है वो कब पैदा होगा कब मरेगा कितना कमाएगा नेक वक्त होगा या बदबक़्त होगा उसकी तकदीर लिख जाती है मेरे मुसलमान भाइयों मेरी माँ और बहनों ये बात हमारे जहन में रहे दुनिया में आने से पहले हमारी मौत का वक्त लिख दिया गया है वो वक्त जो लिखा है उससे एक लम्हा भी आगे पीछे नहीं हो सकता है अल्लाह तबारक तआला ने इंसान को दुनिया में आने से पहले उसकी मौत का वक्त लिख दिया है उसकी रोजी लिख दी है लेकिन इंसान रोजी के लिए कितने गलत काम करता है अल्लाह ने रोजी लिख दी है वो मिल कर रहेगी हमें जायज तरीके से कोशिश करना है मौत से कोई इंसान बच नहीं सकता है इंसान मौत से बचने के लिए लाखों करोड़ों रुपए लगा देता लेकिन मौत टलने वाली नहीं है मौत का वो मंजर जब हमारे सामने आता है और मौत की जब बातें होती हैं तो इंसान के दिल दहल जाते हैं। एक सख्त दिल इंसान का दिल मोम हो जाता मौत को सुन करके मौत की कैफियत को सुन करके हम और आपको उस रास्ते से गुजरना अल्लाह तबार को ताला ने फरमाया कुन्तुम फी बुरू जी मुश्यदा सुर की आयत है तुमको मौत आकर के रहेगी अई नमा तक युदरी तुम कहीं भी चले जाओ मौत का शिकंजा तुम्हें पकड़ लेगा मौत से तुम बच नहीं सकते हो वलो कुन तुम फी बुरू जिम अगर तुम मजबूत किले में बंद हो जाओ वहाँ भी मौत आ जाएगी बाज लोग हॉस्पिटल में जाते इलाज कराना सही और दुरुस्त है इलाज कराना सही और दुरुस्त है इलाज कराना चाहिए अगर कोई शख्स इलाज नहीं कराता है उसके अंदर बीमारियाँ हैं तो वो खुदकुशी के मुतरदिफ होगा इलाज कराना जरूरी है लेकिन हमारे जहन में यह बात रहे कि अगर मौत का वक्त आ गया है तो डॉक्टर नहीं बचा सकता है इंसान मौत से बचने के लिए अपनी पूरी जिंदगी की पूंजी लगा देता है। और हम रोज देखते हैं हॉस्पिटल में लोग कैसे मरते हैं एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरते हैं डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलता क्या आय सारी सबके होश उड़ जाते हैं क्या अरमान लेकर गया था क्या तमन्नाएं तो लेकर गया था अपने बाप की जिंदगी बचाने, बचाने के लिए अपनी बीवी की जिंदगी बचाने के लिए अपनी औलाद की जिंदगी बचाने के लिए यह सोच कर गया था कि जितना भी लगेगा लगा देंगे लेकिन मरने नहीं देंगे मेरे भाई और डॉक्टर आके कहता है स्वारी इंसान तड़प उठता है हमारे और आपके साथ रोज ऐसे मामिलत होते हैं होते रहेंगे मौत से किसी को छुटकारा नहीं है मजबूत किले में बंद हो जाए मौत का फरिश्ता वहाँ भी पहुँच जाएगा अकून मौत वलौकन तुम फी ब मुशैदा तुम कहीं भी चले जाओ मजबूत किले में बंद हो जाओ मौत का फरिश्ता वहाँ भी पहुँच जाएगा मौत वहाँ भी पहुँच जाएगी इंसान भागता है मरना नहीं चाहता है अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि आदमी की उम्र जिस कदर बढ़ती है वो बुढ़ापे की उम्र में जाता है उसकी उम्र ज़्यादा होती है लेकिन उसकी तमन्नाएं जवान होती हैं दो चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान को कभी बूढ़ा नहीं होने देती हैं इंसान बूढ़ा हो जाता है लेकिन दो चीज़ें उसके दिल में हमेशा जवान रहती हैं एक माल की मोहब्बत और एक ज़्यादा जीने की तमन्ना हमारे दरमियान इस वक्त बहुत सारे लोग दो साल से तीन साल के बच्चों से लेकर के अस्सी साल नब्बे साल तक के बूढ़े भी हैं सब यहाँ मौजूद हैं मर्द हैं औरतें हैं बच्चे हैं बूढ़े हैं जवान हैं अमीर हैं गरीब हैं ताजर हैं बिजनेस मैन हैं सर्विस मैन हैं हर तरह के लोग हैं मेरे भाइयों कान खोल कर सुन लो मौत से किसी को छुटकारा नहीं है मौत से कोई बच नहीं सकता है मौत हर एक को आ करके रहेगी अल्लाह तबार को तला ने फरमाया कुल नल मऊ लदी तफिर रू न मिन हो आए नबी आप बता दीजिए बेशक मौत वही है जिससे तुम भागते हो मौत वही है जिससे तुम भागते हो कुल इन नल मऊ तल्लदी तफिर रू मिन हो नबी आप कह दीजिए मौत वही है जिससे तुम भागते हो फ इन कुम मौत तुमको आकर रहेगी भाग नहीं सकते हो भाग नहीं सकते हो मौत आकर रहेगी मौत इंसान के पीछे लगी हुई है और जैसे ही उसका वक्त होगा उसकी रोह कब्ज कर ली जाएगी फिन नहू मुला कुम तुमको मौत आकर के रहेगी सुम तुरत इला आलिमिल गई बीव शहादा फिर तुम पेश किए जाओगे उस अल्लाह के सामने जो गैब की बातों को भी जानता है हाजिर की बातों को भी जानता है सुम तुरत इला आलिमिल गई बीव शहादा मौत तक नहीं है मौत के बाद फिर हमको अल्लाह के सामने हाजिर होना यही वो नुकता है जहां से मुसलमानों को हिम्मत मिलती है और यही वो नुकता है जो हमारी जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा करता है सिर्फ मरना नहीं है मरने पर तो सबका यकीन है मौत पर तो सबका ईमान है हमारा इस्लाम मौत से बढ़कर फिर जिंदा होने की तरफ हमें तवज्जो दिलाता है कि मरने के बाद छुटकारा नहीं है दोबारा जिंदा किए जाओगे अल्लाह के सामने हाजिर किए जाओगे आमाल का हिसाबों किताब होगा नेक करके गए हो तो इनामात मिलेंगे गुनाह करके गए हो तो सजाएं मिलेंगी मेरे भाइयों आज इंसान इस उम्मीद के साथ और इस यकीन के साथ अगर जिंदगी गुजारता है कि उसको मौत आनी है और मौत के बाद फिर उसको अपने रब के सामने हाजिर होना है किसी के ऊपर वो जुल्म नहीं करेगा किसी का हक नहीं दबाएगा किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करेगा किसी की बहू बेटी पर गलत निगाह नहीं डालेगा नेक बनने की कोशिश करेगा यही वो नुकता है जो हमारी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा करता है और हमें नेक बनाने पर मजबूर करता है नेक बनने की हमारे अंदर ख्वाहिश पैदा करता है कुल इन मऊ तल तफ़िर रू न मिन हो कह दीजिए कि मौत वही है जिससे तुम भागते हो फ़ै इन न हो मुलाकी कम मौत तुमको आकर रहेगी फुम तुरद दूना इला आलमिल गई बेव शहादा फिर तुमको पेश किया जाएगा उस अल्लाह की तरफ जो ग़ैब का जानने वाला है हाजिर का जानने वाला है फ़यनब बेकुम बिमा कुन तुम तमलोन फिर वो तुमको बता देगा कि तुम क्या कर रहे थे रात के अंधेरे में क्या किया दिन के उजाले में क्या किया किसी के मुंह पर क्या बोले किसी के पीछे क्या बोले ये सब अल्लाह तबार को ताला बताएगा हम आज करते हैं कल भूल जाते हैं, लेकिन अल्लाह तबार को ताला भूलता नहीं है अल्लाह ने किरामन कातिबीन को हमारे दोनों कंधों पर रख दिया है जो हमारी ज़िंदगी के एक एक अमल को रिकॉर्ड कर रहे हैं मरने के बाद ये दफ्तर हमारे सामने पेश किया जाएगा मेरे भाइयों इस यकीन के साथ ज़िंदगी गुजारो हमेशा मौत को याद रखो मौत से कभी गफलत नहीं होनी चाहिए मौत को जो शख्स याद रखता है वो नेक बनता है जो मौत से गाफिल हो जाता है वो दुनिया की रंगीनियों में गुम हो जाता है रब की रहमतों से दूर हो जाता है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व अनफिकू वह अनफिको मजक नबलोत तुम में से हर शख्स को चाहिए कि अल्लाह तबार व तआला ने जो उसको रोजी दी है उसमें से वो मौत आने से पहले खर्च करे मौत आने से पहले खर्च करे आज जब हम खर्च करने की बात करते हैं तो कहते हैं हमारा माल है हमने कमाया हमारी तुम्हारी हैसियत क्या है हमारी तुम्हारी हैसियत क्या है अगर अल्लाह ना दे अल्लाह तबारक वाल किसी को देकर आजमाता है किसी को लेकर आजमाता है अगर अल्लाह तबारक वाली ने आपको दिया है तो आप ये ना समझें कि अल्लाह तबारक वाल खुश होकर दिया अल्लाह तबारक वाली इम्तहान ले रहा है अल्लाह ने कारून को भी दिया था अल्लाह ने फिरौन को भी दिया था अल्लाह ने नमरूद को भी दिया था अल्लाह ने श्दात को भी दिया था माल ज्यादा होना यह अल्लाह के राजी होने की दलील नहीं है माल का सही इस्तेमाल करना ये अच्छे मोमिन की पहचान है हमारे पास जो माल है ये सिर्फ हमारा नहीं है अल्लाह तबार व तआला ने इसमें लोगों के हुकूक रखे हैं गरीबों का हक है यतीमों का हक है बेवाओं का हक है मिसकीनों का हक है बीमारों का हक है माजूरों का हक है रिश्तेदारों का हक़ है मुसाफ़रीन का हक है आपके माल में सबका हक है लेकिन हमारे लोगों को जब बताया जाता है तो कहते हैं हमारा अपना माल है हम जहाँ चाहें खर्च करें हमने कमाया है मेरे भाइयों अगर, अगर अल्लाह ना देता चाहे जितनी मेहनत कर लेते कमा नहीं सकते थे कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह से शाम तक पसीना बहाते हैं लेकिन अल्लाह तबारा व तआला नहीं देना चाहता नहीं देता और ये भी सोच लें कि आपके पास जो माल है ये कोई जरूरी नहीं कि आइंदा भी रहेगा जो अल्लाह आज दिया है वो कल ले भी सकता है अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया व अनफिकू मिम्मा रजक कुम और तुम माल को खर्च करो उसमें से जो हमने तुमको रोजी दी है मिम्मा रज़क़नाकुम कुम हमने जो तुमको दिया है हमारे पास जो माल है वो किसने दिया है अल्लाह ने दिया ये कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है हमारे पास जो माल है वो किसने दिया है अल्लाह ने दिया है ये अल्लाह का माल है या अल्लाह की अमानत है अल्लाह ने हमको इसका जिम्मेदार बनाया है और अल्लाह देखना चाहता है कि हम माल को कैसा खर्च करते हैं हलाल जगहों पर खर्च करते हैं कि हराम जगहों पर खर्च करते हैं वह अनफिकु इम रजक जो तुमको रोजी दी है जो माल दिया है उसमें से खर्च कर दो मौत आने से पहले जब आदमी मरने लगता है हमारे बाबा के नाम से आज फकीर खिलाना है हमारे बाबा के नाम से आज सदका बांटना है अरे जिंदगी में करके जाओ मरने के बाद औलाद बांटने के लिए लड़ती है एक बाप जो घर बनाने के लिए कंपनी बनाने के लिए कारखाना बनाने के लिए दुकान बनाने के लिए अपने बच्चों की जिंदगी को संवारने के लिए अपना रात दिन एक करके पसीना बहाता है वही औलाद बाप के मरने के बाद उसी प्रॉपर्टी को बांटने के लिए आपस में लड़ते हैं बहुत कम लोग ऐसे होंगे जी जिनके भाइयों के दिलों में दराड़े ना आई हों और उन्होंने बाप की मीराश को आसानी के साथ बांट लिया हो बहुत कम मिलेंगे इल्ला माशाल्लाह बाप की कमाई हुई प्रॉपर्टी को बांटने के लिए भाई कैसा लड़ते हैं हमसे ज्यादा आप जानते हैं। हर एक के साथ ये होता है अपनी जिंदगी में खर्च करके जाओ अपनी जिंदगी में अल्लाह के रास्ते में लुटा कर जाओ अपनी जिंदगी में गरीबों की मदद करके जाओ अपने हाथ से दिया हुआ माल क्यामत के दिन हमारे लिए फायदेमंद होगा अल्लाह तला ने फरमाया जब मौत आने से पहले खर्च कर लो फ यक़ूल रब्बी लउला औ ख़र तनी इला अजलिन करीब जब मौत का वक्त आता है तो कहता है ए ला थोड़ा सा मोहलत दे दे थोड़ा सा मोहलत दे दे फ असदा वकुम मिनस वालहन मैं थोड़ा सदका खैरात कर लो मैं भी नेक लोगों में शामिल हो जाऊँ जवानी दी थी माल दिया था जवानी दी माल दिया सब कुछ दिया उस वक्त याद नहीं आया जब मर रहा है अपनी हवेली को देख रहा है और सोचता है कि करोड़ों रुपए लगा करके मैंने ये हवेली जो बनाई है आज मैं छोड़ कर जा रहा हूं मेरे साथ कुछ नहीं है दोस्त देखता है मरने के बाद कफन पहना करके उसकी औलाद ले जा करके कब्रस्तान में दफन कर देती है मरने के वक्त बिस्तरे मर्ग पर इंसान को अपनी हकीकत याद आती है और वो सोचता है कि कुछ सदका खैरात कर ले, लेकिन उस वक्त बच्चे पूरे माल पर कब्जा कर चुके होते हैं इंसान थड़प तड़प कर मरता है अपनी हवेली को देखता है अपनी कंपनी को देखता है अपने कारखाने को देखता है अपने बैंक बैलेंस को देखता है अपनी जवानी को सोचता है कहता है मैंने अपने बच्चों की जिंदगी बनाने और संवारने के लिए कितनी मेहनत कर दी लेकिन आज दुनिया से क्या लेकर जा रहा हूं क्या नेके किया कहता है अफसोस करता है फकूल रबी अखर तनी इलाब फाल अरे परवरदिगान जरा मोहलत दे दे मैं भी कुछ सदका खैरात कर लूँ अरे परदिगार जरा मोहलत दे दे मैं भी नेक लोगों में से शामिल हो जाऊं लेकिन जब वक्त आ जाता है अल्लाह तबार को तला मोहल्त नहीं देता प्यारे नबी ने फरमाया अक्सर हाद मिल लात लज्जतों को तोड़ देने वाली मौत को हमेशा याद करो जो इंसान अपनी मौत को याद करता है वो गुनाहों से बच जाता है जो इंसान मौत से गाफिल होता है वो गुनाह ज्यादा करता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा की कबर पर गए मरने के बाद कौन क्या किसी को फ़ायदा पहुँचाएगा प्यारे नबी सारे इंसानों के सरदार हैं बशर हैं आखरबीन हैं सैदुल्बिया वमरसलीन हैं अपनी वालिदा की कबर पर गए आप बैठ कर रो रहे हैं हमारे नबी रो रहे हैं आपके साथ जो आपके साथी थे साहबा थे वो भी रो रहे हैं सारे लोगों सारे लोगों को आपने रुला दिया सहाबा ने पूछा प्यारे हबीब आप रो रहे हैं आपने फरमाया हाँ रो रहा हूँ साहबा ने पूछा रोने का सबब क्या है हमारे नबी ने फरमाया मैंने अल्लाह से इजाज़त चाही कि अये मेरे रब तू इजाजत दे दे तो अपनी माँ के लिए मैं मफफ़रत की दुआ कर दूँ अल्लाह तबार को तला ने रोक दिया कहा नहीं अपनी वालदा के लिए तुम मफ़रत की दुआ नहीं कर सकते हो अल्लाह अल्लाह ने मुझे डांट दिया मैं वही सोच कर रो रहा हूँ हमारे नबी अपनी माँ के लिए दुआ नहीं कर सकते हैं इस्तफार नहीं कर सकते फिर मैंने अल्लाह से कहा अरे मेरे रब अगर तू मफफरत की इजाज़त नहीं देता है कब्र पर हाजिरी की इजाजत दे दे जियारत की इजाजत दे दे तो अल्लाह ताला ने मुझे हाजिरी की इजाज़त दे दी मैं वही सोच कर रो रहा हूं मेरे भाइयों इंसान जब मर के जाता है कुछ नहीं लेके जाता एक दिन दो दिन लोग याद करते हैं मौत की खबर सुनते हैं आदमी अरे अभी कल तो मुलाकात हुई थी आज हम दूसरों के बारे में सुनते हैं कल हमारे बारे में ऐसे ही ऐलान किया जाएगा कहा जाएगा अरे मालूम है फला की मौत अरे मौत हो गई अभी कल तो मुलाकात हुई है अचानक होता है मेरे भाइयों सब मौत से गफलत अच्छी चीज नहीं है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के लिए भी मफ्रत की दुआ नहीं कर सके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्ना लिल लौत सकरात। बेशक मौत के लिए सख्तियाँ हैं इंसान की हड्डियां तोड़ दी जाती हैं मौत की सख्तियों को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है अम्मा ऐसा सिद्दीक रजी अल्लाह बयान करती हैं नबी की मौत का वक्त करीब था आप सल्ला वसल्लम चादर ओढ़े हुए थे घबराहट का आलम यह था कि प्यारे हबीब कभी अपने चेहरे को ढांप लिया करते थे कभी चेहरे को खोल दिया करते थे वो कैफियत थी वो घबराहट थी वो खौफ था हमारे नबी को चेहरा कभी ढांप लेते कभी खोल देते अम्मा ऐसा कहती हैं बगल में पानी का प्याला रखा हुआ था हमारे नबी अपना हाथ पानी के प्याले में डालते और अपने हाथ को अपने चेहरे पर मसलते और कहते इन नील मऊती सकरात बेशक मौत की बड़ी सख्तियां। इसी दौरान आपकी लखते जिगर हजरत फातिमा आती हैं नबी की घबराहट और परेशानी को देख करके बेताब हो जाती है प्यारे नबी ने फरमाया बेटी आज के बाद तेरे बाप पर मुसीबत नहीं आएगी यानी आज ये मेरा आखिरी दिन है मेरे भाइयों मौत की सख्तियाँ इंसान को तोड़ देती मौत को याद करो आए मेरे जवानों जिम में जा करके के अपनी जवानी दिखाते हो जिम में जा के अपनी पहलवानी दिखाते हो जवान हो या बूढ़ा पहलवान हो या कमजोर मौत किसी को नहीं छोड़ती है कहीं भी जाओ कुछ भी करो और रब को याद रखो मेरे भाइयों रब को मत भूलो। आज इंसान जवानी की ताकत में सेहत की ताकत में अपने रब को भूल जाता है और बहुत सारे लोग यह समझते हैं कि मौत बुढ़ापे में है नहीं हमने कितने जवानों को मरते हुए देखा हमने कितने नौजवानों की नमाज जनाजा पढ़ाई अपने से छोटों की हमने कितनी नमाज जनाजा पढ़ाई है हमने कितने सेहतमंद लोगों की नमाज जनाजा पढ़ाई है मरने का ताल्लुक बुढ़ापे से नहीं है मरने का ताल्लुक बीमारी से नहीं है अगर आप सेहतमंद हैं तो आप गाफिल ना हों मौत सेहतमंद को भी आती है अगर आप जवान हैं तो आप गाफिल ना हों मौत जवानों को भी आती है बूढ़ों को भी आती है जवानों को भी आती है बीमारों को भी आती है और सेहतमंद लोगों को भी आती है दुनिया से मोहब्बत कर लेता है इंसान आखरत से गाफिल हो जाता है तो वो मौत से गाफिल हो जाता है आप कुछ भी करें आप कहीं भी हों मेरी दुआ है आप फलें फूलें और तरक्की करें अल्लाह आपको और तरक्की दे आपके बच्चों को तरक्की दे लेकिन मौत से गफलत अच्छी बात नहीं है आप अपनी ऑफिस में बैठ कर काम कर रहे हैं ईमानदारी के साथ करें क्योंकि मौत आ सकती है वहीं आप किसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं पार्टनर हैं ईमानदारी के साथ करें आप कहीं भी हैं दुनिया में वत नहीं दिल लगाएं जितना दुनिया में रहना है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे सुबह हो जाए तो शाम का इंतज़ार मत किया करो शाम हो जाए तो सुबह का इंतज़ार मत किया करो इसलिए कि मौत कभी भी आ सकती है कोई ज़रूरी नहीं है कि कल की सुबह हम में से हर आदमी देखेगा पता नहीं कि आज किसी का आखिरी दिन हो इसी तरीके से मेरे भाइयों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अल्लाह से मिलना चाहता है अल्लाह भी उससे मिलना चाहता है और जो शख्स अल्लाह से नहीं मिलना चाहता अल्लाह भी उससे नहीं मिलना चाहता है अम्मा आयशा ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल कौन शख्स है जो अल्लाह से मिलना चाहता हो मौत की तमन्ना करता हूँ हमारे नबी ने फरमाया जब मौत का वक्त करीब होता है उसके सामने फरिश्ते आते हैं और उसको जन्नत में उसका मकाम दिखाया जाता है जन्नत की नेमतों को देखता है उसके मनाजिर को देखता है और देखता है कि मरने के बाद उसको क्या इनामात मिलने वाले हैं तो इसकी तमन्ना होती है कि ये मर जाए और अल्लाह तबारो को तला के सामने हाजिर हो जाए और उसको वो नेमत मिल जाए ये है रब से मुलाकात की तमन्ना करना और जब इंसान बुरा होता है गुनहगार होता है तो मौत के वक्त जहन्नम की हौलनाकियां उसको दिखाई जाती हैं जहन्नम के खतरनाक मनासर उसको दिखाए जाते हैं ये समझता है मरने के बाद इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है ये मरना नहीं चाहता तो ये मुलाकात नहीं करना चाहता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसकी रोह भागती है जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मरना नहीं चाहता है कुरानी मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि फरिश्ते उस काफिर का रूह कब्ज़ करने के लिए उसके मुंह पर तमाचे मारते हैं काफिर को तमाचे मारा जाता है उसके मुंह पर तमाचे मारे जाते हैं उसकी पसलियां तोड़ दी जाती हैं उसकी हड्डियां तोड़ दी जाती हैं और उसके पुष्ट पर लात और घूसे मारे जाते हैं यह खतरनाक मौत उस शख्स की होती है जो गुनहगार है जो काफिर है अल्लाह तबार को तला ने काश तुम वो मंजर देख लेते अल्लाह ताला हम सबको मौत की सख्तियों से महफूज रखे अमल करो मेरे भाइयों काफिर की मौत बड़ी खतरनाक होती है मोमिन की मौत के ताल्लुक से कई हदीसें हैं एक हदीस में है कि इस तरीके से मशकीजे से पानी टपका दिया जाता है और आसानी के साथ निकल जाता है एक सच्चे मोमिन की मौत ऐसी ही होती है कोई जरूरी नहीं है कि हमारे साथ भी वो हो आपके साथ भी हो मौत की सख्तियां भी हो सकती हैं आसानियां भी हो सकती हैं हो सकता है मौत के वक्त हमें मुसीबतों परेशानियों में मुबतला किया जाए और हो सकता है मौत आसानी के साथ हो जाए इसलिए मेरे भाइयों अल्लाह से दुआ करते रहो कि अल्लाह मौत की सख्तियों से हमारी हिफाजत फरमाए अल्लाह हम सबको आसान मौत नसीब फरमाए इसी तरीके से हमें ये भी तमन्ना करनी चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह अच्छी मौत नसीब फरमाए अच्छा काम करते हुए मरेंगे तो अच्छी मौत है नमाज पढ़ते हुए सजदा करते हुए कुरान मजीद की तिलावत करते हुए कुरान मजीद की तिलावत को सुनते हुए किसी की मदद करते हुए खुतबा देते हुए नमाज पढ़ते हुए दीनी किताबों का मुताला करते हुए इससे यह अच्छी मौत कहा जाता है ये अच्छी मौत की निशानियाँ हैं हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हम सबको अच्छी मौत नसीब फरमाए और बुरी मौत से हमारी हिफाजत फरमाए बुरी मौत किसे कहते हैं इंसान गुनाह का काम करते हुए मर गया गंदी फिल्में देख रहा था गाने सुन रहा था शराब की मजलिस में बैठा हुआ था लेकिन उसको मौत आ गई जा रहा था एक्सीडेंट हो गया ये सब बुरी मौत है अल्लाह हम सबको बुरी मौत से महफूज रखे मेरे भाइयों हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हमेशा नेक कर्म करें नेक काम करें नेक काम करते हुए मौत आएगी तो यह अच्छी मौत की निशानी है बुरा काम करते हुए गुनाह का काम करते हुए मौत आएगी तो ये, ये बुरी मौत की निशानी है इसी तरीके से अच्छी मौत की एक निशानी यह है कि इंसान इंसान जब मरता है तो उसके जुबान से कलमा अदा होता है अल्लाह के नबी इल्लल्लाह अपने अपने मरने वाले को लाई की तलकीन किया करो मरने वाले के पास बैठो लाई पढ़ने को कहो तो मरने के वक्त ज़ुबान से कलमा पढ़ना ये अच्छी मौत की अलामत है और मरने के वक्त कलमा भी नसीब ना होना यह बुरी मौत की अलामत है मेरे भाइयों मौत का मंजर देखिए मरने वालों के पास बैठिए वो लोग जो बिस्तरे मर्ग पर पड़े हुए हैं जो कई सालों से बिस्तरों पर पड़े हुए हैं हॉस्पिटलों में पड़े हुए हैं आप जाइए उनके पास बैठिए उनकी जिंदगी के बारे में पूछिए आपको जिंदगी की हकीकत मालूम होगी मेरे भाइयों एक दिन ऐसा आएगा हम भी उसी बिस्तर पर पहुंच जाएंगे कबल इसके कि वो वक्त आ जाए अपने अमाल की इसलाह कर लें कबल इसके मौत के बिस्तर पर पहुंच जाए अपने अमाल की कर जिंदगी बहुत मुख्तर है लोग सोचते हैं कल तोबा कर लेंगे परसों तौबा कर लेंगे लेकिन अल्लाह तबारक वाले का फैसला जब आता है इंसान को तोबा की तोफीक भी नहीं होती है आज ही तोबा कर ले अभी तोबा कर ले इसी वक्त तोबा कर ले और आज जुमा की नमाज के बाद जब उठें तो ये सोच कर उठें कि आज से हम नेक काम करेंगे हम जितने गुनाह के काम करते थे वो छोड़ देंगे हमारी माएँ बहनें बेटियां भी बैठी हुई हैं मैं उनको भी यही पैगाम सुनाना चाहता हूं ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है गुनाह के काम में अपनी ज़िंदगी को ज़ाये न करें नकिया करके नेकियों से अपने दामन को समेटने की कोशिश करें ताकि जब हम दुनिया से रुख्सत हों हमारे कबर में हमारे अमाल काम आएँ और हम दुनिया से मुस्कुराते हुए चले जाएँ अल्लाह से दुआ है कि है अल्लाह हमारी ज़िंदगी में खुशियां डाल दे अय अल्लाह हमें अच्छी ज़िंदगी दे दे अय अल्लाह हमें अच्छी मौत नसीब फरमा अय अल्लाह जब तक रख दुनिया के अंदर इस्लाम पर कायम रख खात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर हो रब्बना तक़बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ذلالة وكل ذلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء القربى وَيَنْهَى عن الفحشاء والمنكر والبغي يَعِذُكُمْ لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر واقيموا الصلاه